झालावाड़ शहर में लंबे समय से बिगड़ी सफाई व्यवस्था अब पटरी पर लौटेगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ की लागत से रोड स्वीपर मशीन भेजी गई है, जिसकी विशेषता यह है कि वह रोड की धूल मिट्टी के साथ साथ पानी का छिड़काव करते हुए रोड की सफाई करेगी। साथ ही 2 वाहन सेप्टिक टैंक के भी अलग अलग साइज में शहर की गलियों को देखते हुए उपलब्ध करवाए गए हैं। इनमें दोनों वाहन 8,000 और 2,000 लीटर की क्षमता के हैं। नगर परिषद और झालावाड़ शहर की जनता के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज लगभग 1 करोड़ रुपए के व्हीकल जो आम जन की सुविधाओं के लिए है उनको आज हम रोड पर उतारने जा रहे हैं। अच्छा। इससे आम जन को राहत मिलेगी। इसमें रोड स्वीपर मशीन है, ये पानी के साथ रोड को क्लीन करती हुई जाएगी। इसके साथ डोर टू डोर के लिए एक व्हीकल है हमारे पास जो कचरे के लिए काम आएगा। इसके अलावा 2 सेफ्टी टैंक जो होते हैं उनको साफ करने की गाड़ियां भी आज हम रिलीज कर रहे हैं। इससे आम जन को सुविधा मिलेगी। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राह नहीं है। आने वाले समय में आपको झालावाड़ की सड़कें पेरिस तो नहीं कह सकता, लेकिन हम इंदौर का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार झालावाड़ का नीचे पैदल में गिरा आने वाले समय में लगता है झालावाड़ नंबर 1। जब से हमारा बोर्ड बना है तब से हमारा निरंतर प्रयास है कि हम झालावाड़ शहर को आगे लेके आए और ये प्रयास हम आगे कंटिन्यू जारी रखें। सभापति जी, कुछ नगर की समस्याएं थी जैसे रोड लाइटें भी फोल्डिंग भी बंद रहती थी, उस मामले को लेकर भी आपने कुछ विशेष? मैंने अभी से 2 दिन पहले 3 दिन के निर्देश दिए थे कि भाई 3 दिन में शहर की लाइटें सभी दुरुस्त हो जानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 2 दिन हुए और 70% लाइटें चालू हैं। आपने खुद भी हाईवे पर भी घूम के देखा हुआ, बाड़ो में भी घूम के देखा हुआ होगा, ज्यादातर लाइटें हमने चालू करा दी और आने वाले 1-2 दिन में आपको लाइट बारिश की वजह से कुछ एक दो लाइटें हो सकता है, लेकिन मोस्टली लाइटें आपको सब चालू मिलेंगी और हमारी बराबर उनका मॉनिटरिंग जारी है कि लाइटें चालू। बता दें कि झालावाड़ नगर परिषद में सोमवार शाम भगवान गणेश के मंदिर पर 3 वाहनों की सजावट कर पूजन किया गया। सड़कों पर गंदगी ना फैले इसके लिए खराब वाहनों को भी दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि विभाग के मशीन उपलब्ध करवाने के बाद कर्मचारी अपने कार्य में कितनी सटीकता बरतते हैं। झालावाड़ से बाल बहादुर सिंह की रिपोर्ट।